तो गाइस ब्रेकिंग हर्षल पटेल रिकॉर्ड ऑफ 32 विकेट्स इन अ सिंगल आईपीएल सीजन पार्ट टू। ये है केनाई सीरीज का चैलेंज नंबर टू, उसका है पार्ट टू। डालेंगे हम फर्स्ट बॉल मैच नंबर 8। फर्स्ट एपिसोड में इसके हमने लिए थे सात मैच में 13 विकेट और मिनिमम 7 मैच तो खेले रहे इस एपिसोड में। फर्स्ट मैच इस एपिसोड का वर्सेज सनराइजर्स हैदराबाद और ये क्या ड्रीम स्टार्ट है। हेलो, ठीक है अगर मिनिमम 7 मैच भी खेल रहे हैं हम तो 26 विकेट भी लेता हूँ एटलीस्ट 32 के जितना क्लोज पहुंच पाए वो। अब मुझे क्यों लग रहा है कि चांस भी शायद 32 हो जाएंगे। लेट्स सी यार पहली बॉल में विकेट यार और क्या चाहिए, वो भी टेस्ट मैच लाइन लेंथ। और ये मैच हो रहा है चिन्नास्वामी स्टेडियम पे, SRH और ले लो बैटिंग। क्या है दो बॉल में 2 विकेट भाई, ये क्या ड्रीम स्टार्ट है। हेलो, ये थोड़ी बाउंस ज्यादा करके गुड लेंथ में और इन्होंने ऑन द राइज खेला हल्की सवा और मैक्सवेल का बहुत कैजुअल कैच, बहुत टफ कैच था वैसे, इजी नहीं था। 2 विकेट, 15 विकेट्स हो गई है अभी, 8th मैच शुरू हुआ है जस्ट और सिर्फ 2 बॉल डाली उसकी। क्या हो सकता है भाई, ड्रीम स्टार्ट यार। लेट्स गो, आई एम ऑन हैट्रिक। मैं अभी वही गुड लेंथ ही डाल रहा हूँ यार क्योंकि 2 विकेट वहाँ पे मिली और कट कर दिया है, चौका मार दिया क्या हैट्रिक पे। चलो ठीक है, हैट्रिक बॉल पे सिंगल आया, नो वरीज, 2 रन ठीक है वो भी चलेगा भाई। पहला ओवर 2 रन और 2 विकेट, वाह भाई। और दूसरा ओवर मुझे दिया 10th ओवर, पता नहीं क्या सोचते हैं कैप्टन यार, समझ नहीं पड़ता भाई। इतनी बढ़िया स्विंग हो रही थी यार, मतलब अलग लेवल थिंकिंग है। चलो कोई नहीं, मैं अभी भी स्विंग के लिए जाऊंगा। डालते हैं पहली बॉल, फिर से गुड लेंथ, जैसी पहली विकेट मिलती है वैसी, बट उतनी ज़्यादा सेम नहीं होगी यार। क्या बोलूँ यार मैं, दे देता मेरे को एक और ओवर यार। ये तो सेम विकेट ही मिल गई, बस इस पर कीपर ने स्लिप ने कैच की, क्या हो रहा है 3 विकेट मिल गई भाई। 7 बॉल डाले अभी तक मैंने सिर्फ इस एपिसोड में, तो क्या रहा है। तुम लोग इसी बात पर लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन के साथ और फुल स्क्रीन करके एंजॉय करो पूरा एपिसोड इसका भाई, मजा आएगा। केनाई सीरीज में हम नेक्स्ट चैलेंज भी कमेंट कर सकते हो तुम लोग, पूरी वीडियो देखने का लास्ट में कमेंट करके जाना। अभी जल्दी फुल स्क्रीन करो, एंजॉय करो भाई, और आउट ऑफ 7 रेट भी कर सकते हो, और अगर कंप्लीट कर दिया ना भाई मजा आ जाएगा यार। कैच भाई कैरी कर जाती यार, ये कैसी लीडिंग है यार, वाह भाई मजा आ रहा है बॉलिंग करके, एकदम खतरनाक। ओके चौका खाली, अभी तक पावर प्ले वाली फील्ड है। 3 ओवर मतलब तीसरा ओवर चल रहा है और 3 रन 3 विकेट, अब चलो 7 रन 3 विकेट कोई दिक्कत नहीं है। ओके दूसरा ओवर, दूसरा स्पेल 2 ओवर का भाई इतना खतरनाक चल रहा है, पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, एकदम ऐसा ड्रीम जैसा लग रहा है ना। इसको नीतीश रैना स्ट्रेटेजी ट्राई करने का मन कर रहा है मेरा, देखते भाई क्या होता है। तो 2 ओवर का स्पेल रहा, उसमें हमने 2 विकेट और ले लिया यार, मतलब एक ही ओवर में ले ली थी उसके पहले वाले में, बट ठीक है नहीं 1 विकेट और ली ना। हाँ कैच करना, अच्छा नहीं नहीं पहुंचेगा, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। डॉट बॉल अपने तीसरे स्पेल की पहली बॉल, शॉट भाई। और सारे सोशल मीडिया लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में, एक बार चेक कर लेना यार, इंस्टा ट्विटर पे फॉलो कर लो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, और काफी एक्टिव रहता हूँ उधर। चौका तो खा ही रहा हूँ अब, एज का चौका भाई, क्या नसीब लेके खेलता हूँ मैं। आउट, एज लगी, बोलते भाई एम्पायर नहीं क्या, वो तो है ही नहीं एलबी तो, सॉरी। लास्ट बॉल अपने पहले मैच का, इस एपिसोड का पहला मैच, ड्रीम स्टार्ट का भाई, पहला स्पेल, डॉट बॉल, 4 ओवर 17 रन 3 विकेट, और क्या चाहिए। टीम भी जीत गई, इजी मैन ऑफ द मैच मैं, वाओ। देख रहे हो गाइस जलवा देख रहे हो, अभी भी टॉप पे 16 विकेट के साथ, चलते हैं नेक्स्ट मैच में। मैच नंबर 2 वर्सेस RR, ये भी हो रहा है चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर के होम पे। अब लेट्स सी क्या होता है बेंगलुरु के होम पे, वो ज्यादा अच्छा लगता है। पहली बॉल आउट स्विंगर और डॉट बॉल, ठीक है कट कर दिया है, पहले रन मिलेंगे। हाँ मुझे लगा फील्डर रोक लेगा यार, इनर सर्कल क्या कर रहे। कैच भाई यार, बहुत देर हवा में थी लिटरली भाई, सपना ही चल रहा है भाई। पहली विकेट मिल गई दूसरे मैच, इस एपिसोड के दूसरे मैच की पहले ओवर में, क्या बोलूं यार मैं, वो भी 4th बॉल पे, जायसवाल गॉन सेंचुरियन या कैच भाई यार, ये भी हवा में थी भाई। हर बॉल पे कुछ ना कुछ चांस बन रहा है, ऐसा लग रहा है 5 बॉल हुई अभी तक सिर्फ भाई, फिर से ओके ठीक है। चलो पहले ओवर से आए 4 रन और 1 विकेट, डिसेंट कैच भाई इनका नसीब। मैंने सोचा राउंड विकेट ट्राई कर लूँ थोड़ा, और 5वीं बॉल डॉट गई है, बैट पैड, वाओ भाई। 2 ओवर और दूसरा मेड इन, वाह शॉट भाई, चौका ही मार दिया, वाह अभी मस्त, पता नहीं गेम क्रैश हो गया था अपने आप, फिर मुझे रीस्टार्ट करके आना पड़ा। तो मैं 3 बॉल डॉट डाल के गया था लेकिन वापस आया तो ये चौका खाया मैंने दूसरी बॉल, ये मैंने डॉट निकाली थी। ओके एक और चौका, सैमसन इन फॉर्म अवार्ड, ये पहले 3 बॉल डॉट थी जिसपे 2 चौके आ गए हैं, उसके बाद इस बॉल डालते टाइम क्रैश हुआ था, इस पे एच का चौका खाया भाई, नसीब लेस फॉर अ रीजन। ठीक है 3 ओवर डाली हमने, 1 मेड एंड 1 विकेट, 17 रन बहुत है वैसे, इकोनॉमी अभी भी ठीक है, लेकिन चाहिए तो भाई विकेट ना, राउंड द विकेट ट्राई करते हो। सामने है वेलो, ये रियान परा, क्या बात, डालते हैं भाई पहली बॉल आउटसाइड ऑफ आरिस, एक एज पीछे कीपर स्लिप नहीं, ठीक है ट्राई करना बाकी देखते हैं, कोई नहीं। लो भाई पहली बॉल, ये लो इजी,
ने डाली नहीं आउटसाइड ऑफ, ठीक है नेवर माइंड कट करो। ओके थैंक यू सर, बोल्ड हो गए, क्या बात है। मैंने एक स्लोअर डाली अभी तक पूरे एपिसोड में, उस पर ही मुझे विकेट मिली है। बैक ऑफ द एंड स्लोअर, इजी गॉन। चल हेटमैर आउट हो जाओ, और यार नियरली ठीक है। दो ओवर 4 ओवर 17 रन, एक विकेट, इस बार भी ठीक था। दो मैच में 5 विकेट लिए, 9 में हो गई 18। टीम हमारी जीत गई भाई फिर से, क्या बात। प्रभु देसाई मैन ऑफ द मैच, मैच नंबर 3 इस एपिसोड का, और वैसे मैच नंबर 10th अगेंस्ट गुजरात टाइटंस एट NMS स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टेडियम। फर्स्ट बॉल, और हमारी टीम कर रही है इस बार चेज। ये फील्डर मैं इसलिए लगाता हूँ, लास्ट एपिसोड नहीं देखा तो देखो उसमें पता चलेगा। अभी क्यों बताऊँ, देखो यार एच का चौका। हाँ तो मैं बोल रहा था मैं राउंड द विकेट इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि इस मैच में मेरी टीम को मेरे से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की जरूरत है। हमारी टीम ने पहले बैटिंग की, गुजरात ने टॉस जीत के बॉलिंग ली थी, दैट्स वाई। तो ये लोग चेस कर रहे हैं बहुत डिसेंट टोटल, वैसे ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, 171 का। तो अगर मैंने अच्छी बॉलिंग की तभी जीत पाएंगे हम। लेट्स सी अब क्या होता है। शॉट भाई, चौका है। तो गाइस ह्यूज शाउट आउट एंड स्पेशल थैंक्स टू आवर लेजेंड मेंबर्स जो अपने चैनल पे हाईएस्ट शेयर की मेंबरशिप है, जिसमें है पुनीत भाई, उज्जवल भाई, नीलेश भाई। थैंक्स लॉट फॉर बीइंग अ लेजेंड मेंबर एंड सपोर्टिंग आवर चैनल। कैच, अबे अच्छा थोड़ा दूर से गई थी, ओके ठीक है नेवर माइंड। ये तो चौका जाएगा मुझे लग रहा है, इजी जाएगा। ओके और बाउंसर बोला, वन बाउंसर एम्पायर, वाओ मेरे भाई क्या बात है, देगा ना। तो गाइस ह्यूज शाउट एंड स्पेशल थैंक्स टू आवर इंटरनेशनल मेंबर्स एज वेल, जिनके नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अच्छा नहीं दिया, ठीक है कमेंटेटर बोल रहा था। थैंक्स लॉट टू ऑल ऑफ देम फॉर बीइंग एन इंटरनेशनल मेंबर एंड सपोर्टिंग आवर चैनल। ये अपने चैनल पे सेकंड हाईएस्ट शेयर की मेंबरशिप है। सुदर्शन भाई शॉट तो अच्छा था, आउट प्लम है तो मिल गई पहली विकेट। लेट्स गो स्ट्रेट इन फ्रंट, क्या मतलब थोड़ी बाहर जा रही थी तब भी आउट ही तो है, आउट तो है। हार्दिक पांड्या फर्स्ट बॉल, और इधर रन आउट हो गए, सहा रन आउट हो गया गैस। ओ यार थोड़ा लेट हो गए शायद यार, आउट है, ओ आउट है तब भी ठीक है। कैच, ओ नियरली भाई, टेस्ट मैच विकेट, फोर्थ ओवर ऑन अ ट्रॉट डलवा रहे। मैंने स्लोअर इन स्विंगर डाले फुल लेंथ बैक ऑफ द एंड, पता नहीं वो कैसे हो सकता है लेकिन गेम में है ऑप्शन तो हमने ट्राई किया और बहुत बढ़िया। हार्दिक पांड्या कैप्टन की विकेट, अब मत हारना भाई प्लीज, इतना कुछ करके दे दिया मैंने, एक रन आउट 2 विकेट और क्या चाहिए, टोटल 3 विकेट मेरे नाम। वाओ चलो रन आउट तो डीप वाले फील्डर का नाम भी आएगा, स्लैश कर लिया ठीक है। प्रभु देसाई का बहुत बढ़िया कैच, कैच भाई मिलर पहली बॉल, बीट हो रहे हो लेकिन आउट नहीं हो रहे है ना, वापस बीट, आउट हो जाना भाई मेरे, आना पड़ेगा ओवर द विकेट 2 बॉल के लिए तो एटलीस्ट, वही बची है अपने स्पेल की। लास्ट बॉल अपने इस मैच के स्पेल की, और विजय शंकर ने खेली है डॉट बॉल, 4 ओवर 19 रन 2 विकेट ना, 160 पे ऑल आउट, इजी विन, ब्रेसवेल मैन ऑफ द मैच। लेकिन ठीक है हमने 4 ओवर 19 रन 2 विकेट अच्छा ही किया। नेक्स्ट मैच फिर से RCB का होम मैच, दिस टाइम अगेन CSK, और पहली बॉल फिर से डालेंगे, इस बार भी 170 का टारगेट दे। बिल्कुल AI ना कुछ बना के आता है ऐसा कुछ फिगर परफेक्ट, डॉट बॉल भाई पहला ओवर मेडन, और क्या चाहिए यार, इससे बढ़िया स्टार्ट क्या होगा। दूसरा ओवर मुझे दिया 17th ओवर में, जबकि मैं मेरा स्पेल भी अब खत्म नहीं कर पाऊंगा, जबकि मैंने मेडन डाली थी। अब 31-24 क्या बोलूँ यार, मैं लगाता हूँ फील्ड। चलो यार फर्स्ट बॉल, अब तो मेरे हाथ में ज़्यादा कुछ है नहीं भाई, क्या बोलूँ यार मैं इस एपिसोड, इस सीरीज मतलब ये वाले चैलेंज का, कैनाई का सेकेंड चैलेंज का episode 1 जो पिछला वाला इसका एपिसोड था, बहुत कंफ्यूजिंग है ये। लेकिन ठीक है मैं टाइटल में कुछ थोड़ा सा एडजस्ट कर दूंगा यार, तो क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं पड़ रहा था कोई नहीं, क्योंकि थंबनेल में episode 3 लिखा था और टाइटल में #1, वो episode 3 था कैनाई सीरीज का, बट सेकंड चैलेंज था और उसका फर्स्ट एपिसोड था। 6 मार दिया इधर, वाओ मेरे भाई वाओ। हाँ तो मैं वही बोल रहा था पिछले एपिसोड के पहले मैच में भी बॉलिंग पूरे ओवर नहीं दी थी, 2 ओवर डाले थे, इस बार मुझे लग रहा है वही होगा। सोचो अगर वो भी डाल ली होती तो भी मैं 20 विकेट्स पे 10 मैच में, शर्म नहीं आ रही भाई इनको। वाओ 8 रन चाहिए 12 बॉल में, मैं ट्राई तो कर सकता हूँ, देखो सारी क्रॉस सीम वाइड यॉर्कर्स डाल के डॉट्स निकाल लूँ। चलो ठीक है अब विकेट का छोड़ो, इस बार टीम के लिए जाता हूँ मैं, करते हैं कुछ ट्राई, इस पर विकेट नहीं मिलेगी वो श्योर है, बट मैं ये ओके चौका भी आ गया, विकेट के लिए जाना तू, जरा हार गए कैच, ओके चौका खत्म ही कर दिया। वाओ क्या बात है मेरे भाई, वाओ वाओ वाओ, पहला विकेट लेस मैच इस एपिसोड में, चेन्नई से जीतना तो मुश्किल था वैसे भी। चलो नेक्स्ट मैच देख रहे हो, ये बाकी जो टॉप 5 में 4 है ना उनसे डबल विकेट्स पे, तब भी मैंने पूरे ओवर्स नहीं डालने हैं, 20 विकेट भाई साहब। राजीव गांधी स्टेडियम पे मैच नंबर 12 होगा ना, आई गेस जो भी हैदराबाद के सामने मैच है, इस एपिसोड का 5th मैच होगा अगर 12 है तो, है ना। फर्स्ट बॉल डे मैच है भाई, स्टेडियम मस्त लग रहा है यार, डॉट बॉल
पहले ओवर से 5 रन बट विकेट नहीं मिली। ओके मेरा एंड चेंज कराया, फोर्थ ओवर मुझे दी है जो अपना सेकंड स्पेल की शुरुआत होगी। अब मैं सोच रहा हूँ यार थोड़ा कटर्स वटर्स डालें इस पिच पे, तो लेट्स सी। मैंने सारे फील्डर भी अब ले लिए, थोड़ी डेड सी पिच लग रही है, वैसे स्लो पिच ही रहती है हैदराबाद में, देखते हैं क्या होता है। और अभी जो आपको गाइस स्क्रीन पे नाम दिख रहे हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो किया था, अभी मुझे विकेट मिल गई, ठीक है। तो आपका भी आ सकता है नाम नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप इसके डिस्क्रिप्शन में सेकंड लाइन में जो इंस्टाग्राम का लिंक दिया है वहाँ से फॉलो करते हो जाके, तो वो रैंडम रहता है लेकिन चांस तो है नाम आने का। जल्दी से जाके फॉलो कर लो, 5000 होने वाला है, 4.2 के आसपास हो गए हैं, 5000 पे गिव अवे है, तुम लोग को पता ही है। नहीं तो करियर मोड का 100 एपिसोड वहाँ जाके पार्टिसिपेट कर लो और जल्दी से फॉलो कर लो। पहली विकेट यार अनमोलप्रीत सिंह हमेशा ऐसे आउट हो रहे हैं, पहली विकेट इस एपिसोड की भी यही थे, चौका है भाई ये तो गैप में, बहुत मस्त कैच, बोलते क्लब लगा एम्पायर मेरे भाई कुछ नहीं लगा, या क्या पता लगाओ लेते रिव्यू, वो कोई नहीं वैसे भी लेते ही नहीं अपन रिव्यू, वेस्ट होगा तो वेस्ट हो जाए। अच्छा ओके स्किप कर दिया, अरे क्यों देख, अरे बेइज्जती हो रही, अरे नहीं 24 आ रहा अभी तो, अरे कट करो ये, वाओ भाई तो कट कट कट, शॉट चौका कट, एक और बार शॉट चौका कट, मतलब फ्लिक मार रहे लेकिन कट करो फ्रेम, एक और चौका, अरे थम जाओ सर, सर अग्रवाल सर सर, 9th ओवर दिए मुझे, 3 ओवर 26 रन 1 विकेट, पहली बार 6 से ज़्यादा की इकोनॉमी गई ना इस एपिसोड में, आई गेस यस। अभी क्या बॉलिंग करूँ मेरे को समझ नहीं पड़ रहा है, और कतई भी झूठ भी नहीं बोल रहा मैं। चलो आउट स्विंगर्स डालते हैं, क्या पता अब इस पिच पे, स्लो पिच पे भी कटर से विकेट ना मिल रही लेकिन इससे शायद मिल जाए। स्लोअर डालूँ क्या, हाँ चलो स्लोअर ट्राई करता हूँ, ये ले भाई स्लो, ओके डॉट कल आओ अग्रवाल सर, बॉय बॉय, ठीक है भाई मज़ा आ गया, बैट पैड कुछ ना होगा, कैच कैच तब नहीं मेरे पास, जो अच्छी लगती तुमको दे दो। लास्ट बॉल अपने स्पेल का, ओ ये कर लिया ठीक है, पिछला छोड़ा ये कर लिया, पहले शायद हर्षल पटेल थे और इस बार शायद हसरंगा है, पता नहीं मैं तो इतना दूर से देख के बोल रहा हूँ खाली। प्रॉपर यॉर्कर और सर कप्तान सर क्या हो गया सर, कल आओ हसरंगा देखो यहाँ से पता चल गया, 3 विकेट, वाओ भाई टीम जीत गई भाई 10 विकेट से। इंग्लैंड याद नहीं करना चाहिए, मैन ऑफ द मैच विराट कोहली है, 85 मारे हैं और हमने 3 विकेट ली, 30 रन देके वाओ 4 ओवर देख रहे हो गाइस, 12 मैच 23 विकेट्स, जिसमें मैंने आई गेस 3 ओवर्स तो कम डाले ही हैं, 3 से ज़्यादा, पहले मैच में 2 ओवर डाले थे, इसमें भी 2 ओवर, 1.5 ओवर डाला था, मतलब वही 2.5 डाला था, 3 साढ़े 3 ओवर तो हमने कम डाले ही हैं अभी तक, सोचो वो भी होता शायद अभी 25 विकेट होती। चलो कोई नहीं लेट्स गो, 13th मैच वर्सेस पीबीकेएस, ये मैच भी चिन्नास्वामी पे, इसके स्टार्टिंग में समथिंग स्ट्रेंज ट्राई कर रहा हूँ, मतलब 2 स्लिप लगाए मैंने, फर्स्ट और थर्ड स्लिप, वैसे मैं यूजुअली सेकंड स्लिप ही लेता हूँ, और मैं इनको यही बोलिंग करने वाला हूँ फर्स्ट ओवर तो एटलीस्ट। स्क्वायर लेग मैंने नहीं लिया, डीप ले रखा है बैकवर्ड स्क्वायर, लेकिन ठीक है मतलब जितना होगा बाहर खिलाऊंगा ऐसे, और ड्राइव करवाऊंगा, ये भी हवा में थी बच गया भाई, अरे ज़्यादा बाहर हो गया यार, धवन पाजी करते थे कट नहीं, शॉट भाई चौका, धवन पाजी रुक जाए करो नहीं, कैच कैच भाई पहुंच जाओ, क्या मस्त स्लोअर डाल के फंसाया था भाई, भाई यार रन आउट कर दे हैं सुभाष भाई पैसा, हेलो भाई ड्राइव कर दिया यार पहले ओवर से 10 रन, वाओ कैच, एक मिनट बम्प था क्या, वाओ कैच कैच भाई प्लीज, स्लोअर डाली थी और फंस गए, कल आओ धवन पाजी, यस ठीक है आउट हो गए, 1000 स्लिप लगा लूंगा ना तो भी दूसरी 1000 वाली जगह छोड़ दो, वाओ भाई वाइट डाल लो, स्ट्रेटजी में होता है थोड़ा बहुत ही, लेकिन शॉट भाई बहुत मस्त शॉट था, चौका डिजर्व करता भाई, ये कैसे मारा एक सेकेंड, ये तो बोल्ड हो रहा था गेट में से, ये देखना इतनी ज्यादा स्विंग हुई थी भाई, कुछ भी भाई कुछ भी, ये तो बोल्ड था, वाओ कोहली भाई नहीं पहुंच सकते थे, यस 3 ओवर 26 रन 1 विकेट, ये क्या दे जाओ भाई, पिछले मैच में भी यही था, चलो राजा पक्सा कल आओ अब तुम, ठीक है ये ओवर में तुम्हें आउट होना है, मतलब होना है 25 विकेट तो हो जाए यार, मेरा टारगेट था कि मैं अगर 14 मैचेस खेल रहा हूँ तो एटलीस्ट 26 विकेट ले पाऊँ, 6 विकेट कम से चैलेंज भाई, मैंने उससे बम पाई है और मैंने जो बोला वो हो गया, मेरा ये फील्डर काम आया पूरे एपिसोड में अभी, लेकिन आया कल आओ
अब तो टेस्ट मैच लग रहा मेरे को एकदम। हाँ सर, जितेश सर, भाई क्या मस्त स्पेल था। चार ओवर में दो विकेट ही ले पाया, लेकिन ठीक है, आरसी विन बाय 7 विकेट, इजी, कोहली मैन ऑफ द मैच। या मोस्ट विकेट में हम 25 पे हैं, और लास्ट लीग स्टेज मैच है वर्सेस गुजरात टाइटंस, ये चिन्नय स्वामी स्टेडियम पे होगा, और ये मैच इज डू और डाई फॉर आरसीबी। जीते तो क्वालिफाई, हारे तो फिर नेट रन रेट पे बात आएगी, तो बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल से पंजाब जीत गई तो इजी क्वालिफिकेशन है, सो ये मस्ट विन मैच है। और यहाँ पे हैं अपन, फिर लास्ट में देखते हैं, अगर हार गए तो ठीक है, जीत गए तो और दो तीन मैच हो जाएंगे यार। चल भाई जल्दी चल। चलो गाइस, फर्स्ट बॉल, लास्ट लीग स्टेज मैच, और शायद तक ये लास्ट मैच भी हो सकता है अपने ये चैलेंज के सेकंड एपिसोड का, मतलब ये चैलेंज का इनफैक्ट। फर्स्ट बॉल, मैं ज्यादा कुछ नई स्ट्रेटेजी ट्राई नहीं करूंगा, अभी टीम के लिए खेलेंगे, नॉर्मली बॉलिंग करते हैं। आउट प्लम भाई, इन स्विंगिंग और कर, ये पता है ये विकेट मेरे दिमाग में अभी सेकंड बॉल भी बन गई थी जब मैंने इसको आउट स्विंगर डाली, कि थर्ड मैं अब डालूंगा फुल लेंथ या तो यॉर्कर, तो मैंने यॉर्कर डाल दी, इन स्विंगर प्रॉपर बोल्ट वाली विकेट भाई। पहली तो गुड लेंथ थी, एक सीम पे थी और एक आउट स्विंग थी, और तीसरी इन स्विंग पे प्रॉपर यॉर्कर सहा एकदम स्टंप के सामने, प्लम का भी प्लम भाई। ये है मेरा विकेट ऑफ द डे, तुम लोग भी कमेंट में बता सकते हो तुमको जो सबसे बढ़िया लगा। भाई साहब क्या बॉल थी यार भाई, फिर से मेरी टीम ने 170 का टारगेट दिया और पहली मैंने विकेट मिड इन डाल दी। एच का चौका, वाह भाई, डर नहीं लगता तुमको, चौका ऐसा मारते हो, स्लिप भी बड़ी थी। ओके, फर्स्ट पहल, दो ओवर, 8 रन, एक मिड इन, मतलब विकेट मिड इन थी विकेट के साथ, इजी भाई। 72 में 114 चाहिए 72 में। अब मैं क्या कर सकता, थोड़ा आउट स्विंगर्स ट्राई करते हैं, लेट सी विजय शंकर की विकेट मिल जाए तो भाई मजा आ जाएगा ना, मैच बन जाएगा, समझो। 3D प्लेयर भी तो है ना सामने, ये लो डॉट बॉल। शुभमन गिल भी गॉन है क्या, ये सेम साह वाली बॉल थी, ओके, क्योंकि पैर आगे निकाला था तो मुझे श्योर नहीं था, लेकिन अब देखते रिव्यू लेते हैं कि नहीं। लेट्स गो भाई, ये तो प्लम ही था, मतलब इंपैक्ट अंपायर्स कॉल होता, लेकिन जा अंदर रही थी, एक बार देख लेते हैं। ये देखो इंपैक्ट अंपायर्स कॉल, और स्टंप पे लग रही है, परफेक्ट, व्हाट अ विकेट, शॉर्ट कैच प्लीज, थर्ड विकेट, लेट्स गो। मैं वही बता रहा हूँ, इफ यू लव फास्ट बॉलिंग या नहीं भी पसंद हो ना, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता भाई। जो मजा आया आज यार, मतलब लिटरली यार, मेरे को तो बहुत मजा आ गया। चलो यार, इट्स टाइम फॉर आवर हैट्रिक बॉल, सेम साह गिल वाली विकेट जो मिली थी वही बॉल डाल रहा हूँ, उतनी पेस, और नो बॉल डाल दी मैंने, वाओ, फ्रीड बॉल पे वाइड, वाओ, फ्रीड बचा ली क्या, हाँ ओके, सिंगल कैच, ओके चौका है, कैच, ओके, मुझे लगा बम्प है। फोर्थ विकेट, फोर्थ ओवर चल रही है, वाओ, लास्ट बॉल अपने स्पेल की, भाई कैच देते यार, पहला फाइफर हो जाता, चार विकेट भाई साहब, अब तो जीत जाना भाई, क्वालिफाई हो जाए प्लीज। ओके, 1/4 रन्स, मैन ऑफ द मैच मेरे को दे दो, चार विकेट, थैंक यू फॉर द मैन ऑफ द मैच। चलते हैं अब देखते हैं क्या है प्लेऑफ्स भाई। 29 विकेट्स इन 14 मैचेस, अब दो मैच में तीन विकेट, या फिर एक मैच भी मिलता है तो भी ट्राई करना होगा। एलिमिनेटर खेल रहे हैं अपन, पंजाब के सामने फिर से, वाओ, और ये हुआ है पॉइंट टेबल, गुजरात जस्ट नॉकआउट हुई है हमारी जीत की वजह से, वरना देखो पंजाब हो जाती क्वालिफाई। भाई क्या कट टू कट चल रहा है, और यहाँ पे भाई साहब ये देखो भाई, 14 मैचेस, 29 विकेट्स, चलो लेट्स गो फॉर द एलिमिनेटर। चलो एलिमिनेटर की पहली बॉल, पता नहीं आरसीबी ने क्या सोच के वापस चिन्नय स्वामी पे, ये थोड़ी सी ग्रीन टाइप की विकेट जो ऐसी रहती है हमेशा, जहाँ पे स्पिन स्विंग दोनों होती है, उस पर बैटिंग फर्स्ट ले लिया, मेरे को समझ नहीं पड़ रहा क्यों लिया था, और 170 का टारगेट दिया। अब मुझे फिर से वैसी बॉलिंग करनी पड़ेगी, वरना वी वॉन्ट क्वालिफाई फॉर द फाइनल और क्वालिफाइड टू। भाई क्या सीम हुई है, एंगल से बाहर जाती, पड़ के सीधी रहेगी, कैच, लेट्स गो, पहली विकेट, रब सिमरन सिंह, थैंक यू ब्रो। 30 विकेट हो गई भाई, ना भी होगा ना चैलेंज कंप्लीट, तो मैंने मेरा पूरा ट्राई किया, मेरे को इतनी भी उम्मीद दे दी, झूठ भी नहीं बोल। कैच, लेट्स गो, दो बॉल में दो विकेट, राजा पक्सा, गोल्डन डक, 31 विकेट्स, काउंट करते जाओ, पहला ओवर डबल विकेट मेडन, थैंक यू ब्रो। इनसाइड एज पैड पे लगी, और क्या हुआ कुछ पता नहीं चला, बीट हो गए धवन पाजी, एज लगती थी कल, कैच, लेट्स गो, 32 विकेट्स, टाइड हो गया भाई, चैलेंज कंप्लीट, नहीं तो टाई तो कर लिया, ब्रावो और हर्षल का रिकॉर्ड 32 विकेट्स का, उनसे कम बॉलिंग करके आई गेस जरूर। चौका भाई, ठीक है यार, ठीक है
भाई ये कहां से बीट हुआ है? स्टंप मिस कर दिया, पैड मिस कर दिया, बैट मिस कर दिया, कीपर बच गया। एज का चौका, 88 पे चार है, तीन ओवर तीन विकेट, एक मेड इन जो डबल विकेट मेड इन थी और 9 रन सिर्फ 3 की इकोनॉमी। ठीक है, कुछ कहना है तुमको? नहीं ना, ठीक है चलो आउट स्विंगर्स खाओ और अब आउट हो जाओ जल्दी से भाई, हारना नहीं आसे यार प्लीज। 42 बॉल में 82 तो बचा लोगे कि नहीं? विकेट ले लूं मैं एक यार, नहीं तो हार जाएंगे ये भाई। फिर से स्टंप वम सब बीट कर दिया और वाइड दे दी, वाह अंपायर, बीट हो जा, आउट ना हो शाहरुख खान। लास्ट बॉल है मेरे स्पेल की भाई, आउट कर दो हार जाएंगे वरना। ओके डॉट निकल की भाई, हारना मत यार प्लीज। 36 बॉल में 72 तो बचा सकते हो, 4 ओवर 15 रन 3 विकेट, और मैं क्या करूं। पंजाब किंग्स वन बाय 5 विकेट्स, 32 पे टाइड रह गया यार क्या। तो गाइज ये रहा यार 32 विकेट्स के साथ 10 की एवरेज भाई, और जीता कौन टूर्नामेंट? दिल्ली कैपिटल्स भाई, एकदम मेटावर्स में हो रहा भाई 10 वन। ठीक है छोड़ो इनको, छोड़ो यहाँ पे देखो भाई, हमने इसमें ली 3 विकेट एक मैच में ये यार, और 29 विकेट्स इधर, 316 बॉल और 24 बॉल, मतलब 340 बॉल मैंने बॉलिंग की है। इन लोगों ने कितने बॉल डाली एक बार चेक करता हूँ, एटलीस्ट हर्षल पटेल का चेक करते हैं। और 32 विकेट्स लिए हमने, 304 और कितने रन है, 304 और अबे कहाँ गया एक सेकंड, हाँ 304 और 15 रन, तो 319 रन। ओके ठीक है अभी मैं चेक करता हूँ, रुक जाओ। ओके हर्षल पटेल ने 338 बॉल्स डाली थी और 32 विकेट्स ली थी, 459 रन्स खा के हमने 340 बॉल्स डाल के 32 विकेट्स लिए 304 रन देके। वाओ भाई, एट एन एवरेज ऑफ 10 इनकी थी 14। वाह भाई कुछ लेजेंडरी काम ही कर दिया है तो भाई, मजा आ गया, एटलीस्ट टाई कर लिया और बाकी तो क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पे देख लो तुम लोग क्या था बाकी, इसमें देख लो बेस्ट बॉलिंग 4 for 15 इसमें, और एलिमिनेटर में 3 for 15, वो भी बहुत बढ़िया था। बेस्ट बॉलिंग मैच भी अपना है, एवरेज 10.48, इकोनॉमी 5.77, स्ट्राइक रेट 10.89। इनकी स्ट्राइक रेट मुझे यहाँ पे कहीं दिख नहीं रही है। इन्होंने एक फाइफर लिया था, हमने 4 fours लिए 3 आई गेस। सो तुम लोग बाकी थोड़े बहुत स्टैट्स अपने हिसाब से डिटेल कर सकते हो कमेंट्स में, और नेक्स्ट सीरीज के लिए आइडिया, मतलब कहना ही कि नेक्स्ट एपिसोड के लिए आइडिया, नेक्स्ट चैलेंज के लिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड दिस चैलेंज, जो इसके दोनों पार्ट हो गए हैं। मुझे काफी मजा आया, तुम्हें कैसा लगा बताओ कमेंट कर देना। 32 विकेट्स टाई कर लिया मेरे लिए, तो मैं जीत चुका हूँ, बाकी तुम बताओ क्या था। चलो ठीक है, बाय बाय, रेट भी कर सकते हो अब करके जाना कमेंट।